गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, वैसे तो सदगुरु हमेशा ही हमें कहते हैं हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और अपने मन में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए। बाबा जी अपनी संगत को ऐसा इसलिए समझाते हैं ताकि हमारे कर्म ना बने, और इस साखी के बाद तो आप बिल्कुल ही किसी की बुराई नहीं करेंगे। संगत जी, एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। सेठ अक्सर गरीबों और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया करता था। सेठ का मानना था कि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूसरों की भलाई के काम में लगाया करेगा, और ऐसा वो सालों से भी करता आ रहा था। मालिक की उस पर कृपा थी, उसके पास सब कुछ था और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार जब इस सेठ के पिता की बरसी आने को थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बार पिता की बरसी पर 11 पंडितों को अपनी तरफ से खाना खिलाया जाए। और सेठ ने ऐसा ही किया। 11 पंडितों के घर निवेता भेजा गया और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए गए। जब पंडित घर आए तो सेठ और सेठानी ने पंडितों को अपने हाथों से खाना परोसा और उसके बाद खीर भी खिलाई। खीर खाते ही एक एक करके सभी पंडित मरने लगे, और यह देखकर दोनों ही सेठ और सेठानी घबरा गए और रसोइयों के पास गए और उनसे पूछा कि तुमने कैसे खीर बनाई थी, उसमें ऐसा क्या मिलाया था कि जो सारे ही पंडित एक एक करके मर गए। पर उसने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं मिलाया। सात संगत जी, जिस समय रसोईया खीर बना रहा था, उस समय खीर के पतीले के ऊपर आकाश में से एक कौआ अपनी चोंच से एक सांप को दबाए उड़ रहा था, और सांप बार बार कौए से खुद को बचाने के लिए फुंकार रहा था, और उसकी फुंकार के साथ उसका जहर नीचे खीर के पतीले में गिर रहा था, जिसकी जानकारी ना तो रसोइये को थी ना ही सेठ सेठानी को। 11 पंडितों की मौत देखकर सेठ के हाथ पैर फूल गए। वो सोच में पड़ गया, इतने बड़े पाप के लिए यमराज ना जाने मुझे कौन से नरक में भेजेंगे। मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, लेकिन आज मेरे घर में 11 पंडित मर गए। यह सोचकर सेठ का हाल बुरा होता जा रहा था, और पूरे गांव को जैसे ही पता लगा कि सेठ के घर 11 पंडितों की मौत हुई है, तो पूरे गांव समझ गया सेठ ऐसा काम जानबूझकर तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह बहुत ही दयालु है और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। इसलिए गांव वाले ने सेठ पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गांव में रहने वाले एक पति पत्नी, जो कि सेठ से बहुत ही ज़्यादा नफरत रखते थे, वो सेठ से इसलिए जलते थे क्योंकि सेठ के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और सेठ गांव वालों की नज़र में धर्मात्मा बना हुआ था। ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगे, लेकिन सेठ अपने मन से इस घटना को नहीं भुला पा रहा था कि उसके घर में से 11 पंडितों की मौत हुई है। फिर किसी ज्योतिषी ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके घर 11 पंडित खाने में आए थे और गलती से वह मर गए। आप एक काम करो, 101 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाओ और उन्हें भोजन करवाओ, इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और अनजाने में जो पाप हुआ है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो सेठ को ज्योतिषी की ये बात काफ़ी अच्छी लगी, और सेठ ने सोचा, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे मेरे मन पर जो बोझ है वह भी उतर जाएगा। सेठ ने उसी समय अपने आदमी बहुत सारे ब्राह्मणों के घर भेजे और उन्हें अपने घर आने को कहा। जब सारे पंडित एक साथ मिलकर सेठ के घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक पति और पत्नी ने देखा, उसी पति पत्नी ने देखा जो कि उससे नफरत कर सेठ से नफरत करते थे। तो उन्होंने पंडित से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने पता लगा कि ये सारे ब्राह्मण सेठ के घर भोजन पर जा रहे हैं। तो दोनों पति पत्नी एकदम से कहने लगे, क्या आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? पंडित ने यह सुना तो वह डर गए और पूछने लगे, हम तो सेठ के घर केवल भोजन करने जा रहे थे।
फांसी पर चढ़ने थोड़ी, तो पति पत्नी ने कहा, कहने लगे, आप सब ब्राह्मण लोग हो, इसलिए हमारा फर्ज है आपको आगाह करना कि जो ये सेठ है, ये ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उन्हें खाने खिलाकर उसमें जहर मिला देता है, जिससे कि ब्राह्मण मर जाते हैं। कुछ समय पहले इनके घर 11 ब्राह्मण मर चुके हैं। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हो गए और एक एक करके सब उल्टे पैर अपने घर को लौट गए वापस। तो जब सेठ इन लोगों का इंतज़ार करता रहा और उनके घर एक भी ब्राह्मण नहीं आया, तो सेठ और ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन जो वह पति पत्नी थे, जो कि सेठ से नफरत करते थे, उनको बेहद ही खुशी मिली। सेठ काफ़ी देर तक इन ब्राह्मणों का इंतज़ार करता रहा, ब्राह्मण नहीं आए तो वह काफ़ी परेशान हुआ और सभी खाने को गांव वालों में उसने बंटवा दिया। लेकिन उसके मन में 11 ब्राह्मणों की मौत वाली बात अभी भी घर कर रही थी। उसको लगने लगा था कि ब्राह्मणों ने उनका निमंत्रण इसलिए अस्वीकार किया है क्योंकि उसके घर 11 ब्राह्मणों की मौत हो चुकी है। उसके मन से वो पाप निकल ही नहीं रहा था। अब 101 ब्राह्मणों के निमंत्रण अस्वीकार करने वाली बात वह भी उससे और दुखी हो गया। सेठ मालिक के आगे बहुत रोता और विनती करता कि मुझे माफ़ कर दो, बख्श दो, मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किया है। अब इस पाप के हिसाब किताब यमराज के धर्मराज के दरबार में जाता है। धर्मराज पूरी बात को ध्यान से समझते हैं और कहते हैं, इस पूरे खेल में सेठ की तो कोई गलती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सेठ तो ब्राह्मणों को सच्ची श्रद्धा से अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाया था, तो इसलिए इस सेठ के जो भी पाप है यह उससे मुक्त होता है। साथ संगत जी, लेकिन धर्मराज को किसी ना किसी को तो इस पाप का भागीदार दोषी बनाना ही था। तो फिर धर्मराज रसोइये के ऊपर आता है और रसोइये के बारे में सोचता है। फिर जब काफ़ी सोच विचार के बाद वो कहता है, रसोइये की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने तो अपना काम किया, ऊपर से उसे क्या पता था कि खीर में जहर पड़ रहा है। तो रसोइये को भी इस पाप का भागीदार नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद धर्मराज कौए के बारे में सोचता है, लेकिन वो भी निर्दोष पाया जाता है क्योंकि कौआ तो अपना कर्म काट रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने सांप का शिकार किया था। खाने में जहर वाली बात से कौए का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कौआ भी निर्दोष है। इसके बाद बारी आई सांप की। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए फुंकार भरी थी। सांप को भी नहीं पता था कि उसका जहर नीचे बन रहे खाने में मिल जाएगा, इसलिए सांप का भी कोई दोष नहीं है। अब धर्मराज जी सोचते हैं और परेशानी में आ जाते हैं, जब इन सब का कोई दोष नहीं है तो आखिर दोष किसका है, क्योंकि पाप तो हुआ है और किसी ना किसी को दोषी तो बनना ही पड़ेगा। फिर धर्मराज ने उन पति पत्नी के बारे में सोचा जो कि सेठ से नफरत करते थे और सेठ के पुण्य वाले काम में वो बाधा डालते थे। उन्होंने सोचा कि उन दोनों ने ही सेठ की निंदा करके 101 ब्राह्मणों के आगे की आने से उन्हें रोका था। धर्मराज ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस पूरे पाप के जिम्मेवार वो दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि उन्होंने सेठ से नफरत रखी और सेठ की निंदा करी और उनके घर 101 ब्राह्मणों को आने से रोका, जिससे सेठ का मन और ज़्यादा दुखी हुआ, जिस वजह से पंडित वापस भी चले गए थे। तो इसलिए उन दोनों को ही दोषी बनाया जाता है। धर्मराज जी आदेश देते हैं कि उनकी पत्नी को अंधा कर दो और पति के दोनों हाथ काट दो। जब तक उनकी सांसें लिखी है तब तक वो ऐसे ही जिएंगे। धर्मराज का हुक्म था तो कोई भी हुक्म को नकार नहीं सकता था। एक दिन पत्नी रसोई में काम कर रही थी तो गर्म तेल में पूड़ियां तलते हुए अचानक तेल की छींटे पत्नी की आंखों में पड़ गई, जिससे उनकी दोनों आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई
और इसके कुछ दिन बाद पति अपने पशुओं के चारे के लिए घास को काट रहा था, जिसे काटते हुए उसके दोनों हाथ मशीन में आ गए। साध संगत जी, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किसी की निंदा करने का फल क्या मिलता है। इसलिए ऐसा ना हो जो कि जो भी आपने पुण्य कमाए हो वो सारे पाप में बदल जाए। इसलिए कभी भी किसी की निंदा हमें नहीं करनी है। संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।